नमस्कार दोस्तों, डीके थ्री होम डिजाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम डीके लोनकर है और हमेशा की तरह आज आपके लिए फिर से एक नया प्लान लेके आया हूँ, जिसका डिटेल मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो प्लीज पूरा वीडियो देखिए, इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। और यह वीडियो शेयर भी कीजिए, क्योंकि यह प्लान किसी न किसी के कुछ न कुछ काम आ सकता है। तो किसी और के फायदे के लिए भी यह प्लान प्लीज शेयर कीजिए और ऐसा ही सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आने वाले समय में हम हजारों की तादाद में यहाँ पे प्लान्स और डिजाइन अपलोड करने वाले हैं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का प्लान बहुत ही बढ़िया है, पूरा वीडियो देखिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर कीजिए। तो चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं वो प्लान जो आज हमने आपके लिए लाया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह वो प्लान है जो आज हमने आपके लिए लाया है। बहुत ही बढ़िया सा प्लान है, इसका डिटेल मैं आपको समझाने वाला हूँ। पूरा वीडियो देखिए, इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। इससे पहले हम देखते हैं प्लॉट का साइज़। जो हमारे आज का प्लॉट का साइज़ है 24, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्लियर देखेंगे आप, यहाँ से यहाँ तक देखिए हमारा 24 फीट 7 इंच है। विड्थ और लेंथ में देखिए 41 फीट है, यहाँ से यहाँ तक। तो 41 फीट बाय 24 फीट 7 इंच का यहाँ हमारा प्लॉट है, 24 फीट 7 7 इंच बाय 41 फीट। ठीक है, तो देखिए एक इस प्लान में देखिए, हमने इस प्लॉट साइज़ में हमने 2 2 बेडरूम, एक किचन, एक ड्राइंग हॉल और एक WC बाथरूम, और यहाँ पे देखिए पार्किंग के लिए भी बढ़िया सा एरिया छोड़ा है। तो बहुत ही बढ़िया प्लान है। देखिए इसमें रोड दो दिख रहे हैं, यहाँ पे एक रोड है और यहाँ पे भी एक रोड है। तो देखिए प्लॉट का साइज़ भी आपको दिख रहा है, रोड भी दिख रहे हैं, यहाँ पे दो रोड है, लेकिन देख आपके प्लॉट में एक भी रोड रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यह प्लान आपके प्लॉट पर बैठ जाएगा। देखिए इस साइड में रोड जो दिख रहा है, इस साइड में हमारे प्लॉट को रोड नहीं भी रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस साइड में देखिए 1 फीट 9 इंच का हमने पैसेज छोड़ा है। तो इस साइड में आपका रोड नहीं भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका पूरा आपके प्लॉट पे यह प्लान बैठ सकता है। तो देखिए इस प्लान को समझ लेते हैं। ये साइड जो है हमारी, ये एक रोड साइड की है, मतलब ये हमारा फ्रंट है, हम फ्रंट में आते हैं। तो देखिए हमने 3 फीट का पैसेज यहाँ पे छोड़ा है। देखिए हमारे जो लिविंग रूम है, लिविंग रूम के सामने हमने देखिए फ्रंट में हमने 3 फीट का पैसेज छोड़ा है, 3 फीट का पैसेज छोड़ा है। और जो पार्किंग के लिए जो एरिया बच रहा है, देखिए पार्किंग का 12 फीट 4 इंच है, यहाँ से यहाँ तक। और देखिए ये स्टेयर केस जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, अब एक और भी एक स्टेप यहाँ पे बढ़ सकती है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये ऊपर आ जाएगी, ऊपर की हाइट पे आ जाएगी, और यहाँ से फिर ऊपर से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे स्टेयर केस, तो ये इसकी हाइट और भी ऊपर आ जाएगी। तो हम फोर व्हीलर है जो है, हमारा पार्किंग लगभग इस स्टेयर केस के नीचे भी हम डाल सकते हैं। तो देखिए हमारा पार्किंग का एरिया और भी बढ़ने वाला है। यहाँ पे जो दिख रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक 12 फीट 4 इंच है, मतलब लगभग 12 फीट 4 इंच है। तो इसका पार्किंग का एरिया हमारा बढ़ सकता है। यह स्टेयर केस जो है, हम यहाँ पे एक दो स्टेप्स हम बढ़ाते हैं तो हमारा पार्किंग का एरिया देखिए, या फिर हमारी फोर व्हीलर जो भी है, जो पार्किंग जो फोर व्हीलर टू व्हीलर जो भी है, इसके अंदर जाएगी, देखिए यहाँ तक जाएगी, मतलब हमें लगभग 12 फीट। और ये 3 फीट, ये देखिए ये जो स्टेयर केस है, ये 3 फीट का पैसेज यहाँ से यहाँ तक 3 फीट है। तो ये 12 फीट और ये 3 फीट, लगभग 15 फीट 4 इंच का हमें पैसेज मिलने वाला है यहाँ से यहाँ तक। मतलब हमारी बड़ी भी फोर व्हीलर रही तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारी फोर व्हीलर इसके नीचे आराम से चली जाएगी। और इसका देखिए यहाँ पे आप गलती कर सकते हैं, देखिए यहाँ से हम स्टेप्स तो स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हमें ऊपर ऊपर तक जाना है। देखिए यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, स्टेप्स ऊपर ऊपर बढ़ती जाएगी। तो इसका जो कॉलम है, देखिए ये जो स्टेयर केस है, इसको एक कॉलम की ज़रूरत होगी। तो यह कॉलम जो है, वो कॉलम हमारा यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा बाउंड्री फेस है, हमारी कंपाउंड वॉल रहेगी, इसमें हमें डालना पड़ेगा। तो क्योंकि यहाँ पे देखिए हम बीच में कॉलम डालेंगे यहाँ पे, तो हमारी पार्किंग को दिक्कत हो जाएगी, पार्किंग यहाँ पे नहीं होने वाली, मतलब फोर व्हीलर हमारे अंदर तक नहीं जाएगी। टू व्हीलर का पार्किंग तो हो जाएगा, लेकिन फोर व्हीलर के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो इसका यहाँ पे ध्यान रखिए, आपको इसका जो कॉलम लेने वाले हैं हम यहाँ पे, इस हमारी बाउंड्री पे लेने वाले हैं कंपाउंड वॉल में, तो बीम से हम एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ का एक कॉलम रहेगा और यहाँ का एक कॉलम रहेगा, तो जो यहाँ पे हम कैंटिलीवर निकाल के बीम में एडजस्ट कर सकते हैं ये लैंडिंग।
तो देखिए स्टेयरकेस का तो आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद में देखिए हमारा लिविंग रूम में हम एंट्री कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमारा डोर है, यहाँ पे पहले समझ लीजिए यहाँ पे हम स्टेप्स स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ से इस ओटे पे पहुँचने वाले हैं, ओटे से हम स्टार्ट करेंगे तो स्टेयरकेस की तरफ जाएंगे। यहाँ पे स्टेयर्स के ऊपर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे लैंडिंग पे आ जाएंगे। लैंडिंग पे देखिए ये क्रॉस भी स्टेप डाली है क्योंकि ये जगह कम है हमारी। ये देखिए ये क्रॉस स्टेप्स डाली है तो क्रॉस स्टेप्स हमें डालना जरूरी है क्योंकि देखिए हमारी जगह जो है 24 फीट 4 इंच है, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं है। 24 फीट 7 इंच है, मतलब ज़्यादा नहीं है। इसमें स्टेयरकेस भी एडजस्ट करना है और हमारा लिविंग रूम का भी साइज़ जो है बढ़िया एडजस्ट करना है तो हमें इसको क्रॉस स्टेप्स डालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एक क्रॉस है, यहाँ पे एक क्रॉस है, यहाँ पे एक क्रॉस है, तो इस क्रॉस ये यहाँ पे ध्यान रखिए ये क्रॉस डालना जरूरी है क्योंकि यह क्रॉस नहीं डालेंगे तो देखिए स्टेप्स आगे पहुँच जाएगी तो यहाँ पे एंट्री करेंगे हम। तो हमें यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है, हमें यहाँ पे ही एंट्री करनी है। देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से ऊपर चढ़ के हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे हमें और भी यहाँ पे स्पेस फर्स्ट फ्लोर पर देखिए यहाँ पे हमें स्पेस मिलने वाला है। इस डोर की जो फर्स्ट फ्लोर का जो डोर रहेगा हमारा रूम का, उसके सामने हमें यहाँ से यहाँ तक लगभग जगह रहेगी। मतलब हम फिर से उसके ऊपर का सेकंड फ्लोर के लिए जो स्टेप स्टार्ट करेंगे फिर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर से यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यह बात आपको ज़रूर ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसके बाद में देखिए हम यहाँ से लिविंग रूम में भी एंट्री कर रहे हैं। लिविंग रूम का डोर जो है यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे रखा, इस कॉर्नर पे नहीं रखा क्योंकि हमारी स्टेप्स जो है ये स्टेप जो है यहाँ पे हमने डोर रखा, इस कॉर्नर पे हमने ये डोर रखा तो देखिए हमारी स्टेप्स जो है वो आगे चली जाएगी, मतलब हम रोड पे डायरेक्टली हम एंट्री करेंगे तो स्टेप्स जो है हमारी यहाँ पे ये यहाँ तक चली जाएगी। तो इधर जाने के लिए देखिए ये 3 फीट का हमने पैसेज छोड़ा, इधर जाने के लिए हमें रास्ता नहीं बचेगा, यहाँ पे जाने के लिए हमें दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए हमें ये डोर जो है ये पीछे सरकाना पड़ा। ठीक है, ये भी याद रखिए। इसके बाद में देखिए लिविंग रूम का साइज़ जो मिल रहा है हमें 11 फीट यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक 13 फीट है। 11 फीट है, 11 फीट बाय 13 फीट, मतलब 11 बाय 13 का हमारा लिविंग रूम मिल रहा है हमें, तो बहुत ही बढ़िया सा साइज़ मिल रहा है क्योंकि देखिए हमारा विड्थ जो है 24 फीट 7 इंच है, उसमें ही हमें एडजस्ट करना है, स्टेप्स भी एडजस्ट करनी है और ये रूम भी एडजस्ट करना है, तो हमें इतना मिनिमम साइज़ हमें 11 फीट ही आएगा। देखिए इससे ज़्यादा हम साइज़ नहीं ले सकते, तो 11 फीट बाय 13 फीट का मतलब बढ़िया सा साइज़ है, कोई बड़ा साइज़ तो नहीं है लेकिन देखिए रेगुलर साइज़ है, इसमें भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, छोटी फैमिली हमारी एडजस्ट कर सकती है। और इसको देखिए विंडो जो दिया है वन एक ही विंडो दिया है क्योंकि इस साइड में देखिए ये जो साइड है यहाँ पे पूरा ब्लैक दिख रहा है आपको, यहाँ पे कोई भी विंडो हमने नहीं डाली है क्योंकि ये जो वॉल है हमारी हमारी बाउंड्री पे वॉल है। फेस देखिए हमारी फेस बाउंड्री का मतलब हमारे प्लॉट का जो बाउंड्री रहेगा वहाँ पे हमें ये वॉल लेनी है, मतलब इस साइड में हमने कोई भी जगह नहीं छोड़ी है, ये याद रखिए। और देखिए और ये जो वॉल दिख रही है देखिए यहाँ पे जो ब्लैक कलर की जो दिख रही है ये पे ये आउटर वॉल जो है हमारी 9 इंच की है, ये भी याद रखिए, ध्यान रखिए। यहाँ पे जो आउटर वॉल दिख रही है यहाँ पे 9 इंच का है और जो अंदर का जो वॉल है हमारे देखिए अंदर का जो वॉल है वो 4 इंच का है, मतलब ये 4 इंच की वॉल है और ये 9 इंच की वॉल है। बाहर की वॉल जो है वो 9 इंच की रहेगी और अंदर की वॉल है जो 4 इंच की रहेगी। तो देखिए लिविंग रूम के बाद में लिविंग रूम को एक ही विंडो हमने डाला है, ये विंडो जो है इसका साइज़ हमको बहुत बड़ा करना पड़ेगा और बड़ा कर सकते हैं देखिए यहाँ पे क्योंकि बहुत ही जगह है, 11 फीट है, 11 फीट में से हम लगभग 6 फीट की या 7 फीट की, 6 फीट की या 7 फीट की हम 6 या 7 फीट का हम विंडोज रख सकते हैं। तो देखिए हमें वेंटिलेशन के लिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसके बाद में देखिए लिविंग रूम के बाद में हम यहाँ पे आ रहे हैं तो ये देखिए ये हमारे पैसेज मिल रहा है, ये पैसेज जो है ये हमारे टॉयलेट बाथरूम जो जनरल टॉयलेट बाथरूम हमने रखा है, मतलब ये कॉमन टॉयलेट बाथरूम है, सबके लिए यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये बाथरूम दिया है, यहाँ पे WC दिया है, तो इसका बाथरूम का साइज़ जो देखिए 7 फीट बाय 4 फीट का है, मतलब लगभग 7 बाय 4 का हमारा ये बाथरूम मिल रहा है। उसके बाद में देखिए ये WC मिल रहा है 4 फीट बाय 3 फीट 3 इंच का, मतलब 4 फीट बाय 3 फीट का यहाँ पे हमारा WC मिल रहा है। इसके बीच में देखिए यहाँ पे OTS लिखा है, मतलब ये ओपन टू स्काई है, यहाँ पे हम स्लैब नहीं डालने वाले, यहाँ पे जो क्रॉस दिया है यहाँ पे हम स्लैब नहीं डालेंगे क्योंकि इसको बाथरूम का और WC को वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे क्योंकि इस साइड में हमारी जगह नहीं है तो इस साइड में हमें वेंटिलेशन ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि टॉयलेट बाथरूम बाकी जगह हम एडजस्ट कर सकते हैं लेकिन ये WC बाथरूम ये बाथरूम का भी एडजस्ट कर सकते हैं लेकिन WC को बिना वेंटिलेशन का हमें हम नहीं एडजस्ट कर सकते, तो यहाँ पे वेंटिलेशन हमें बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे हमने डक्ट छोड़ा है। तो यह डक्ट आपको देखिए एडजस्ट भी कर सकते हैं, आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए ये जो WC है आप यहाँ पे भी सरका सकते हैं,
ठीक है। इसका जो पोजीशन ये है, यहाँ पे भी हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, मतलब इसका डोर जो है हमें यहाँ पे फ्रंट में लेना पड़ेगा। यहाँ पे 4 फीट 4 इंच बाय 3 फीट 3 इंच का यहाँ पे हमारा WC बैठ सकता है, लेकिन डोर जो है हमारा फ्रंट में रहने वाला है। तो देखिए डोर हमारा WC का फ्रंट में रहेगा और बाथरूम का यहाँ पे रहेगा। तो ये जो पैसेज जो बचता है यहाँ पे हम ये OTS जो है ओपन टू स्काई ये यहाँ पे भी रख सकते हैं। ये डक जो है हम यहाँ पे रख सकते हैं, इस डक से हम WC को वेंटिलेशन दे सकते हैं। इसके बाद में जो बाथरूम है तो बाथरूम को भी वेंटिलेशन दे सकते हैं। तो कैसे देख सकते हैं, देखिए ये बाथरूम का साइज़ जो है हमें डायरेक्टली, इसकी हाइट जो है हमें डायरेक्टली स्लैब लेवल लेना है, मतलब जो भी 11 फीट 10 फीट जो जो भी लेंगे आप उसका हाइट लगभग समझो हम 11 फीट पकड़ते हैं। देखिए रेगुलर हाइट है, यहाँ पे इसका हाइट हम 11 फीट पे लेंगे और ये जो WC यहाँ पे रहेगा उसका हाइट जो है हम लगभग 8 फीट का लेंगे, मतलब जो 3 फीट का ऊपर का पैसे गैप रहेगा। देखिए WC के ऊपर का जो 3 फीट का गैप रहेगा उसमें जो बाथरूम की वॉल आएगी तो वहाँ पे ये ऐसा वेंटिलेटर हम रख सकते हैं, मतलब ये डक्ट से यहाँ पे भी वेंटिलेशन मिल सकता है, यहाँ पे भी उजाला भी आ सकता है और हवा भी आ सकती है। तो देखिए यहाँ पे हम इस टाइप में एडजस्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लियर समझ में आ चुका होगा। इसके बाद में देखिए यहाँ पे आ रहे हैं हम, तो यहाँ पे हमें एक डोर लग रहा है जो हमारे लिविंग रूम के नज़दीक ही है। ये जो डोर की पोजीशन है हम इधर भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो दिया है हमने ये इसका पोजीशन यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक कॉर्नर में डोर डालेंगे तो देखिए हमारे को अंदर से जो रूम है यो यूज़ करने में बहुत ही बड़ा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम इसका यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हमें कॉर्नर पर ही डोर लेना ज़रूरी होता है। इसका साइज़ जो मिल रहा है हमें 10 फीट बाय 9 फीट 8 इंच का है। देखिए 10 फीट यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक 9 फीट 8 इंच है, मतलब छोटा सा बेडरूम है लेकिन बहुत ही बढ़िया सा वेंटिलेशन मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बड़ा सा विंडो डाल सकते हैं क्योंकि 1 फीट 9 इंच यहाँ से हमने जगह छोड़ दी है ये साइड से, तो इस साइड में हमारी जगह है तो इसलिए हम यहाँ पर बड़ा सा विंडो डाल सकते हैं और इस विंडो से देखिए यहाँ पर वेंटिलेशन मिलने वाला है। इसके बाद में चलते हैं, देखिए यहाँ पे आ रहे हैं हम, तो हम किचन में एंट्री कर रहे हैं, तो किचन और यहाँ पे इस साइड में देखिए किचन में भी एंट्री कर सकते हैं और ये दूसरा जो बेडरूम है हम इस बेडरूम में भी एंट्री कर सकते हैं। तो पहले हम किचन में एंट्री करेंगे। किचन का साइज जो हमें मिल रहा है देखिए 11 फीट है यहाँ से यहाँ तक और 10 फीट 8 इंच यहाँ से यहाँ तक, मतलब 11 बाय 10 फीट 8 इंच 11 बाय 10 फीट 8 इंच का हमारा किचन मिल रहा है। तो किचन भी एक छोटा सा साइज़ है लेकिन देखिए प्लॉट की साइज़ हमारी छोटी है, तो छोटी फैमिली के लिए और आपका बजट भी छोटा होगा तो छोटे बजट के हिसाब से देखिए यह प्लान बहुत ही बढ़िया सा है, क्योंकि हमारा बजट भी रूम की साइज़ बढ़ती है तो हमारा बजट भी बढ़ जाएगा, तो ये कम बजट में यहाँ पर बढ़ सकता है। देखिए यह लगभग इस ये जो हम आज वीडियो डाल रहे हैं तो इस वीडियो में देखिए आज की डेट से हम यहाँ पे एक इस प्लॉट का कंस्ट्रक्शन करेंगे तो लगभग हमारा 14 लाख तक लगभग यहाँ पे हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन बढ़ सकता है, मिनिमम 14 लाख खर्चा बढ़ सकता है, उससे ज़्यादा भी बढ़ सकता है इस क्योंकि आप क्या चीज़ें कौन सी कॉस्ट से लेते हैं, क्या चीज़ यूज़ कर सकते करते हैं, टाइल्स कौन सी यूज़ कर सकते हैं, कौन सी रेट में यूज़ कर सकते हैं, उससे इसका जो बजट है वो कम ज़्यादा होता है। तो लेकिन जो रेगुलर है रेगुलर जो खर्चा आता है तो वो लगभग 14 लाख कम से कम यहाँ पे इसको आ जाएगा, मतलब लगभग 14 लाख तक यहाँ पे ये पूरा प्लान बैठ सकता है। तो आज की ये जो वीडियो जिस दिन डाल रहे उस दिन का मैं रेट बोल रहा हूँ क्योंकि आगे बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, तो इसका आप डेट ज़रूर चेक कर लीजिए कि उस कौन सी डेट में हमने ये वीडियो डाला है। तो इसके बाद में देखिए किचन का जो है, किचन का 11 फीट बाय 10 फीट 8 इंच है साइज़ है, इसको देखिए दो विंडोज़ दिया है, यहाँ पे एक विंडो दिया है, यहाँ पे एक विंडो दिया है और किचन वोटा देखिए यहाँ से यहाँ तक दिया है। तो पीछे की विंडो दे दी है कि इस साइड में तो हमने 1 फीट 9 इंच 1 फीट 9 इंच का हमने पैसेज छोड़ा है, तो यहाँ पर हमें वेंटिलेशन ज़रूर मिलेगा, लेकिन पीछे भी देखिए हमने 3 फीट 6 इंच का पैसेज छोड़ा है, मतलब 3.5 फीट का हमने पैसेज छोड़ा है। जो पैसेज है हम वॉश एरिया, यहाँ पर देखिए वॉश एरिया लिखा है, मतलब ये वॉशिंग के लिए, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो 3.5 फीट का जगह हमें मिल रहा है और यहाँ पे लंबाई जो है लगभग देखिए यहाँ से 11 फीट और इसके बाद में यहाँ पे स्टेप्स रहेगी इधर जाने के लिए। तो देखिए किचन भी बढ़िया सा है, छोटा सा है लेकिन हमारा बजट के हिसाब से देखिए बढ़िया सा साइज़ है और इसको डोर भी पीछे रखा है क्योंकि ये वॉश एरिया के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये जो यहाँ पे देखिए ये जो वॉश एरिया है
अगर इस साइड में देखिए आपका प्लॉट नहीं है, सॉरी इस साइड में आपका रोड नहीं है, तो आप यहाँ पे स्लैब नहीं डाल सकते, यहाँ पे स्लैब नहीं डालना पड़ेगा अगर आपका रोड इस साइड में नहीं है। अगर आपके प्लॉट को इस साइड में भी रोड है तो आप यहाँ पे भी स्लैब डालें तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए इस साइड से हमें वेंटिलेशन, पूरा वेंटिलेशन मिल सकता है। तो ये भी याद रखिए, यहाँ पे इस साइड में हमारा प्लॉट रोड नहीं है तो हम यहाँ पे स्लैब नहीं डालेंगे, यहाँ पे ओपन रखेंगे। और इस यहाँ पे देखिए इस डोर को हम छज्जा देंगे और विंडो को भी छज्जा देंगे, बाकी का जो है ओपन टू स्काई रखेंगे, तभी हमारा वेंटिलेशन यहाँ पे मिल जाएगा और इस रूम को भी वेंटिलेशन मिल जाएगा। क्योंकि इस रूम का दिक्कत हो सकता है, देखिए यहाँ पे हम स्लैब डालेंगे और इस साइड में हमारा रोड नहीं रहा तो इस बेडरूम को कुछ भी वेंटिलेशन नहीं मिल सकता, और यहाँ पे भी हमें अंधेरा हो सकता है। तो यहाँ पे स्लैब डालने की हम गलती नहीं करेंगे अगर इस साइड में हमारा रोड ना हो तो। देखिए इसके बाद में हम किचन से बाहर निकल रहे, तो देखिए इस साइड से हम किचन से बाहर निकल रहे हैं तो हम हमारे सॉरी थोड़ा सा दिक्कत आ गया था आपको, ये प्लान बदल चेंज हो गया था। देखिए हम किचन से फिर से स्टार्ट करते, देखिए किचन से हम यहाँ पे से बाहर निकल रहे हैं तो हम हमारे बेडरूम में पहुँच रहे हैं। यहाँ का बेडरूम का साइज़ जो मिल रहा है हमें, देखिए यहाँ से यहाँ तक 10 फीट है और यहाँ से यहाँ तक 11 फीट 8 इंच का साइज़ है, मतलब लगभग 10 बाय 11 फीट 8 इंच का हमारा यह बेडरूम मिल रहा है, तो काफ़ी सफिशियंट है। देखिए छोटी फैमिली के लिए यहाँ ये बेडरूम का साइज़ भी बहुत ही बढ़िया सा है। इसको देखिए क्योंकि पीछे भी हमारी जगह नहीं है, इस साइड भी हम इस साइड में भी हमारी जगह नहीं है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने विंडो दिया है, यहाँ पे हम वर्टिकल विंडो मतलब हम खड़ा विंडो डाल सकते हैं, यहाँ से नीचे से ज़्यादा नीचे ले सकते हैं और बड़ा विंडो डाल सकते हैं। तो इस विंडो से देखिए हमें पूरा वेंटिलेशन इस बेडरूम को मिलने वाला है। तो देखिए इस टाइप में यह सिंपल सा प्लान है। इस बेडरूम को देखिए अगर हम ये WC मैंने आपको बताया था, ये WC हम इधर करते हैं और ये ओपन टू स्काई यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे जो ओपन टू स्काई रहेगा मतलब यहाँ पे भी हम वेंटिलेशन इस बेडरूम को यहाँ से भी वेंटिलेशन ले सकते हैं, यहाँ पे भी हम विंडो डाल सकते हैं अगर यह WC जो है हमने इधर ले लिया तो। इस ओपन टू स्काई का इस बेडरूम को भी हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम विंडो डाल सकते हैं। तो देखिए इस टाइप में यह सिंपल सा प्लान है, आशा करता हूँ कि आपको यह प्लान डिटेल में समझ में आया होगा। देखिए बहुत ही वक्त ले लिया है मैंने वीडियो को, लेकिन डिटेल में यह वीडियो में आपको डिटेल में समझाना चाहता था, क्योंकि प्लान बहुत ही बढ़िया है, और क्योंकि आपको प्लान डिटेल में समझा नहीं तो इसमें दिक्कत आ सकती है, लेकिन आपको यूज़ करना है, अगर प्लान आपको यूज़ करना है तो उसको डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने इस वीडियो को थोड़ा लंबा खींचा है, लेकिन माफ़ कीजिए यह लंबा खींचना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि यह डिटेल क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में आता है, प्लान देखते ही समझ में आता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको प्लान डिटेल में समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए मैं यह डिटेल समझा रहा था। तो जो भी समझदार लोग हैं उनको मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि उनका जो वक्त लिया है यह डिटेल में, शायद आपको प्लान देखते ही समझ में आया होगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको प्लान डिटेल में देखते ही समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए मैं यह प्लान समझा रहा था। आशा करता हूँ कि उनको यह प्लान समझ में आया है, क्योंकि उनको अभी क्योंकि इस प्लान का यूज़ करना है तो उनको डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी था। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्लान समझ में आया है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस टाइप में लगभग हज़ारों की तादाद में हम प्लान्स और डिज़ाइंस अपलोड करने वाले हैं, तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हो सकता है आपके सपनों का घर, आपके सपनों का प्लान, आपके सपनों का घर का डिज़ाइन यहाँ पे आपको फ्री में मिल जाएगा। और आपके दोस्तों और रिश्तेदारों को भी इस चैनल पर लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम हज़ारों तादाद में यहाँ पे हमने पहले ही वीडियो प्लान्स और डिज़ाइंस अपलोड किए हैं, और भी हज़ारों की तादाद में हम प्लान्स और डिज़ाइंस यहाँ पे लाने वाले हैं। तो आपका कीमती समय आपने जो इस वीडियो को देखने के लिए जो दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा ही सपोर्ट आप करते रहेंगे यही आशा करता हूँ, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।